ये अपने आप में एक सामाजिक यात्रा है, ये अपने आप में इसको राजनीति से दूर मानना भी सही नहीं होगा, लेकिन सबसे ऊपर ये न्याय यात्रा है। और आखिर ये जो पांच न्याय जिसकी बात करते हैं राहुल गांधी जी, इसमें सभी समाविष्ट हो जाते हैं, भारत का हर अंग। और आज अगर ठीक रूप से देखा जाए तो क्या लड़ाई है, इन्हीं न्याय के अलग अलग आयामों को कार्यान्वित करने की तो लड़ाई है। तो ये जो आज अलग अलग पहलू हैं भारत की अस्मिता के, भारत की सोच के, उन सबको उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी। और मैं समझता हूँ जो भी लोग सोचते हैं, समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, वो इसका मर्म समझते हैं और इसलिए उनके साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का मैं समझता हूँ एक ही उद्देश्य है, ये बताना लोगों को कि परिणाम कुछ भी हो, झगड़े कुछ भी हो, विवाद कुछ भी हो, अत्याचार कुछ भी हो, कुछ लोग आपके साथ खड़े हैं। वो जब बात करते हैं एक तरफ बेटी बचाओ आंदोलन की और साथ साथ जो अत्याचार आप देखते हैं हमारी महिलाओं और बेटियों पे, उसकी चर्चा करते हैं, तो वो एक प्रकार का आपको चित्र दिखा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि जब वो बात करते हैं युवाओं की और सीधी बात करते हैं कि आज युवा कह रहा है कि भाई मुझे 1,00,000 रुपए मिलते हैं तो मैं इसराइल जाऊंगा, क्योंकि आज मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, लेकिन 1,00,000 रुपए तो मिलते हैं मेरे को, यहां तो रोजगार ही नहीं है। तो ये एक सीधा संबंध रखता है लोगों के जीवन के, जनता जनार्दन के दिन प्रतिदिन के कार्यों से। जब आप आशा और विश्वास दिलाते हैं कि हम न्याय के लिए खड़े होंगे जो सबके लिए बराबर होगा, हमारी आँख में, हमारी दृष्टि में हम आपके धर्म को नहीं देखेंगे, हम आपके मजहब को नहीं देखेंगे और आपकी कम्युनिटी को नहीं देखेंगे, तो एक आशा और विश्वास कन्वे करने का प्रयत्न है। देखिए, ये प्रश्न पहली बार तो आपको माननीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, माननीय सरकार से पूछना चाहिए। आज आपके पास हल्ला गुल्ला करने के हर औजार हैं, लेकिन ठोस काम जिससे आप रोजगार बढ़ा सकते हैं बिल्कुल नहीं। अगर ये जिसको इतनी आप गाली देते थे, अगर ये मनरेगा नहीं होता और जब कोविड आया था तो इसकी दुहाई दे रहे थे मन ही मन आप लोग, ये नहीं होता तो क्या हालत होती हमारी ग्रामीण जनसंख्या की। तो इस प्रकार के प्रोग्राम जो अच्छे हों, लेकिन जब तक उनमें एक बहुत बड़ा पुट न हो रोजगार का, तब तक वो पारित ही नहीं होने चाहिए। ये सरकार की सोच नहीं, उनका है इवेंट मैनेजमेंट, शो करना, दिखाना। मैं समझता हूँ एक नहीं, कई नाम आते हैं दिमाग में, लेकिन सबसे पहले भारत का GNP आता है। भारत का GNP यानी गांधी, नेहरू, पटेल, और नाम भी है, मैंने सिर्फ इन नाम तक सीमित नहीं करना चाहूंगा, सुभाष भी आएंगे उसमें और लोग भी आएंगे, मौलाना आजाद भी आएंगे, लेकिन प्रथम रूप से जो आता है नाम GNP। गांधी जी की सोच भी ऐसी थी, गांधी जी का एक दूरगामी दृष्टि भी ऐसी थी। नेहरू जी ने अपना पूरा जीवन अभियानों में दिया है, और सरदार जिसको आपने इतने दशकों बाद अप्रोप्रिएट करने का प्रयत्न किया है, उन्होंने ऐसे अभियान कंधा से कंधा मिला के गांधी के साथ किए, नेहरू के साथ किए। तो निश्चित रूप से तीन नाम तो आते ही हैं, साथ साथ सुभाष का भी नाम आता है, मौलाना आजाद का भी नाम आता है और भी नाम आता है। जब राहुल गांधी को इतने विकृत रूप से, इतने गलत रूप से मानहानि के एक आरोप में फंसाने का प्रयत्न किया गया, तो उस वक्त मेरा एक रोचक बातचीत हुई थी राहुल गांधी जी से। तो मैंने एक दिन उनको कहा, मैंने कहा देखिए आज ये सब हो रहा है, पार्टी पे प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर होगा, लेकिन आप सोचिए मेरे पे कितना प्रेशर है। कि मेरे माइंड में मानसिकता ये है कि सभी लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी फेल हो, सभी लोग चाह रहे हैं कि सिंघवी फेल हो, सभी लोग चाह रहे हैं कि कांग्रेस फेल हो। तो मैं तो पेशेवर वकील हूँ, इसलिए मैं हज़ारों केसेस कर चुका हूँ, मेरे को नॉर्मली मानसिकता नहीं होती, टेंशन नहीं होता, क्योंकि मैं एक पेशेवर के हिसाब से लेता हूँ। आपके केस में वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ और मेरे को एक हमेशा से एक भार या बोझ लगता रहता है, तो मैं आपसे एक निजी रूप से एक कन्फेशन कर रहा हूँ, एक खुलासा कर रहा हूँ। उन्होंने हंसे और फिर कहा कि देखो ऐसा है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र भावना से केस करिए और मान के चलिए कि आप हार रहे हैं केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पूरा विश्वास है आपके अंदर, आप सबसे अच्छा करेंगे और आप परिणाम का सोचिए भी नहीं, ये भार हटा दीजिए अपने माइंड से। अब ये बात कहने की नहीं होती है, ये बात एक दिखाने की नहीं होती है, ये कितना हौसला देती है, कितना विश्वास देती है। और ये उनके मन से आया था, मैं देख रहा था, और बड़े निर्भाव से कहा उन्होंने, डर के नहीं, बड़े निर्भाव से कहा कि क्या होगा, होगा तो ये हम सिर्फ हारेंगे, इतना ही तो होगा, इसमें घबराहट की क्या बात है। समझता हूँ ये बहुत बड़ी क्वालिटी है और मुझे हमेशा से वो एक प्रसंग और वो एक वार्तालाप याद रहेगा।